मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है मशकूर अली और आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निक्स। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। मैं आज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि माइनॉरिटीज के लिए होती है और ऑल इंडिया इसको फिल किया जाता है और ये ऑल इंडिया स्कॉलरशिप सभी को दी जाती है। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। दोस्तों, अब टॉपिक्स क्या क्या है, मैं क्या क्या बात करूँगा इसके बारे में। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि ये इसकी डेट कब से स्टार्ट हो रही है और स्कॉलरशिप आप कब से ऑनलाइन इसको भर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये बताऊँगा कि किस तरह से भरी जाती है और कौन सी इसकी वेबसाइट होती है और इसका क्या प्रोसेस रहता है। दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक दोनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पर। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ मैं। यहाँ पर गूगल एंटर कीजिए, नॉर्मली यहाँ पर NSP लिख दीजिए, बस NSP। यहाँ देखिए आ गया NSP पोर्टल, इस पर क्लिक कीजिए आप। ये देखिए, ये जो सबसे पहली वेबसाइट है scholarship.gov.in, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये केंद्र सरकार की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिलती है और ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए होती है। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी वेबसाइट आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, यहाँ लेटेस्ट अपडेट में एप्लीकेशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2018-19 ओपनिंग सून। इसका मतलब आज 16 जुलाई है तो अभी इसको खुलने में टाइम है दोस्तों। और ये स्टार्ट डेट मैं आपको इसकी बता देता हूँ, ये 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूज़ कहाँ से ली मैंने या फिर मुझे किस तरह से पता चला, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खबर है ये मैंने कहीं से नहीं ली है और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका, ना ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ है। मैंने इसको जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ उनके पास जाके कॉल करके तब उनसे मालूम किया है। उन्होंने मुझको बताया है कि ये 23 जुलाई से स्कॉलरशिप के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है 0120661950। ये कस्टमर केयर नंबर है, आप इस पर कॉल करके आप भी पूछ सकते हैं। तो मैंने पूछा, उन्होंने 23 जुलाई स्टार्टिंग डेट बताई है। दोस्तों, लास्ट डेट अभी आई नहीं है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट डेट इसकी इंक्रीज़ होती रहती है, कितने फॉर्म फिल हुए हैं उसके हिसाब से ये इंक्रीज़ कर देते हैं। अब इस साल का पता नहीं, अगर कोई अपडेशन होगा या कुछ भी इसमें चेंजिंग होती है तो मेरा आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि स्कॉलरशिप के फॉर्म आपको किस तरह भरे जाते हैं। आपको डेट पता चल गई, 23 से स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों, तैयार हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स आप संभाल कर रख लीजिए क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। प्री मैट्रिक में तो आपको नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड और बैंक की कॉपी, ये सारी चीज़ें लगनी होती हैं। लेकिन पोस्ट मैट्रिक में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और क्या कहते हैं, मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, ये सारी चीज़ें आपको लगानी होती हैं। पोस्ट मैट्रिक में स्कैन करके तब लगानी होती हैं और प्री मैट्रिक में आपको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ आधार नंबर डाल देते हैं, वही आपका काफ़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर देखिए, ये है लॉगिन का वो है ऑप्शन। तो यहाँ पर ये 2018-19 दिया हुआ है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कमिंग सून दिखाएगा, ये देखिए ओपनिंग सून। तो सो ठीक है, अब न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से होते हैं, ये आपको दिखाऊँ मैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो ये ओपनिंग सून दिखा रहा है। दोस्तों, अब लॉगिन मैं आपको बता देता हूँ, इसका पोर्टल दिखा देता हूँ, इस तरह का पोर्टल होता है इसका नॉर्मली जो आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ से इसका न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, ये दो स्टेप में भरा जाता है। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप OTP अपने मोबाइल पर ले लें और उस OTP को एंटर करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से लॉगिन करने के बाद जब आप इसमें रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एक ID मिलेगी और उस ID से लॉगिन करेंगे आप तो यहाँ पर एक OTP आएगा और सारी डिटेल फिल करने के लिए आ जाएगी, तो आप उसको डिटेल को सारी को फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अभी यहाँ पर ओपन नहीं है क्योंकि देखो इस तरह का ये इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनको पढ़ने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो यहाँ लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन इज़ क्लोज्ड, तो जब 23 जुलाई के बाद ये सब कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ लॉगिन टू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमको ID डालनी होती है, यहाँ पर पासवर्ड यानी DOB डेट ऑफ बर्थ सभी का पासवर्ड होता है दोस्तों, यहाँ पर डालने के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। और यहाँ कैप्चा कोड डाल के आप इसको लॉगिन कर सकते हो और आप जो है ये स्कॉलरशिप का फॉर्म आसानी से भर सकते हो। अब आप बात करते हैं जो स्टूडेंट्स पिछले साल इसका फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए क्या इसका जो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसके लिए मैं बता दूंगा ये ऑप्शन है अप्लाई फॉर रिन्यूअल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पुरानी ID और पुराना पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और लॉगिन करने के बाद आप उसको आगे बढ़ा देंगे, वो रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, मेरी जो ये आपकी जो न्यूज़ थी वो यहीं तक थी।
इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई परेशानी होती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मैं सभी के जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, तो मेरा मोबाइल नंबर भी आप ले सकते हैं और उस पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अब साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन को प्रेस करना ना भूलें, जो ये बराबर में सर्किल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।